लिए कहूंगा कि इतनी मेहरबानियां मेरी माँ बनाए रखना, इतनी मेहरबानियां मेरी माँ बनाए रखना, जो रास्ता सही है उस पर चलाए रखना। मेरे शब्दों से किसी का दिल न दुखे माँ, इतनी मेहरबानियां मुझ पर बनाए रखना, इतनी मेहरबानियां मुझ पर बनाए रखना। अच्छा सहयोग कर रहे हैं और दीपक भाई की पूरी टीम आज हर कलाकार का साथ देने के लिए अपने पूरे साजू के साथ आज अगर वहां के बालाजी महाराज को दो हाथ उठा लो बिल्कुल सीधे सीधे एकदम बिल्कुल सीधे और तालियां बजा करके बनाएंगे। ये सारी दुनिया छोड़ के बाबा तेरे द्वार पे आया, सपनों अपनी शरण में दे मैं बहुत घना दुख पाया, सपनों अपनी शरण में दे मैं बहुत घना दुख पाया। सारी दुनिया छोड़ के बाबा तेरे द्वार पे आया, अब तो अपनी शरण में ले मैं बहुत घना दुख पाया, अब तो अपनी शरण में ले बहुत घना दुख पाया।
नरसी कर्मा धन्ना जैसे मुझको पार लगा दे, मेरे सुने जीवन में खुशियों में रीत जला दे, नरसी कर्मा धन्ना जैसे मुझको पार लगा दे, छोटू पागल के जीवन में खुशियों में रीत जला दे, जब मेरे जीवन के अंदर खुशियां आ जाएंगी ये दुख दूर हो जाएंगे, उस दिन क्या होगा? पागल गाए ले एक तारा, ओ, 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 तेरे नाम करूं जीवन सारा, पागल गाए ले एक तारा, तेरे नाम करूं जीवन सारा, मैं शक्ति की जान गया रे, झूमते हुए मान के दरबार में चलेंगे। आप लोग बता रहे हो, आप हड़ताल तो थोड़ी बच्चों, जितने भी होते वाले सभी तारी लगा के मैं शक्ति तेरी याद बालाजी महाराज ऐसा सवेरा हो दुर्गा ज्योतिष जी के उसे 251 रुपए माँ भगवती के दरबार में भेज होते हैं, उनका तहे दिल से धन्यवाद है, क्योंकि कहते हैं पानी बता दो जी एक बार, चिड़ी चोंच भर ले गई नदी ना घटियो नीर, और दान दिए धन ना घटे कह गए दास कबीर, उनका बहुत बहुत धन्यवाद है जिन्होंने अपनी नेक कमाई से 251 रुपए मांग के दरबार में चढ़ाए हैं। और आइए भक्त कहने लगा कि जग दम बे तेरी कृपा से कोई दया दूध का गिलास, कोई खीर से भरी हुई प्याली, हमारे मंडल के जितने भी सदस्य हैं इस दरबार में नाच करके लगाएंगे हाजी आप करके सब बजाना ताली। आपको वहां दुर्गुल सिंह जी एकदम दुर्गुल सिंह हाथ उठाओ ताली बजा करके कौन सी मार्ग आप लोग खुशी है ना प्रभु सभी को तुम कराओ बिस्कोर को मारो यहाँ पर लगा तारे बजा करेंगे कुछ भी तो
मेरी आदत नहीं है बार बार ये लोगों के हाथ उठा करके बार बार मार के दिखाऊं, इससे आप लोगों की हाथों की लकीर मार देगी तो आपको तकदीर बनेगी, ये आदत नहीं है। और जो भी कलाकार है बोलते हैं कि हाथों को दिखाओ, आप लोगों की लकीर देकर के मार के भाग सवार देंगे, लेकिन मेरा एक मानना है क्या कि हौसला रखने वाले कभी हताश नहीं होते, बादल छीन गए तो दोनों हाथों के ताने मिल गए, हौसला रखने वाले कभी हताश नहीं होते और जिंदगी में वो कभी निराश नहीं होते। हाथों की लकीरों पर कभी भी विश्वास मत करना, क्योंकि तकदीर तो उनकी भी चमकती है जिनके हाथ नहीं होते। बात अच्छी लगी तो ताली बजाओ। एक बार दर्द दिखा भैया मेरा
ये बात तो मैंने अनमोल में सबसे बढ़िया देखो बैठ जाओ आप लोग खड़े मत हो बहन जी ओ बहन जी रोटी है कपड़ा है मकान है पिता नन्हे से बच्चे का बड़ा सा आसमान है पिता है तो बाजार का हर खिलौना अपना है और पिता है तो संसार के सब सुख अपना है और पिता है तो माँ की चूड़ी है माँ की बिंदी है माँ का सुहाग है पिता है तो संसार का सारा सुख अपना है एक बार जोरदार की ताली बजा दे माता पिता के लिए सोनू भाई माता पिता का तो जैसे नाम आता है जिन्होंने अपने को जन्म दिया इस दुनिया का दर्शन करवाया ऐसे माता पिता के चरणों में वंदन और जितने भी माँ के लाल और पिता के लाल विराजमान है एक बार दोनों हाथ सीधे खड़े कर ताली नहीं बजाना है सीधे खड़े कर आसमान की तरफ और माता पिता का जयघोष करें बोलिए माता पिता की जय हो जय हो जय सोनू भाई इस संसार में माँ का नाता बाप के नाते से पूरा 9 महीने बड़ा है 9 महीने तक माँ अपनी कोख में अपने बच्चे को लेकर के घूमती है उसे जन्म देती है लेकिन जब उस बच्चे का जन्म होता है वो तो संसार में जन्म लेकर के आ जाता है लेकिन उस माँ का वो दूसरा जन्म होता है ना जाने कितनी तकलीफें सहन करती है इंसान जब बड़ा होकर के अपनी माँ के दिल को दुखाता है ना उसे इस संसार में चैन मिला है ना ही उस घर में जाने के बाद चैन मिला है उठाओ बिल्कुल सीधे सीधे हाथ जो अपनी माँ से प्रेम करते प्यार करते हैं बिल्कुल सीधे हाथ उठाना जिन्होंने हाथ नहीं उठाई मैं समझेगा अपनी माँ से प्यार नहीं करता एक जयकारा लगाऊ माँ के नाम का बड़ी जगत में भवानी की क्योंकि माँ तो वो है माँ वो है जिनकी बात भगवान से भी ताली नहीं जाती माँ दरबार में जाकर के अपने बेटे के लिए कुछ भी दुआ करे भगवान टाल नहीं सकते माँ की दुआ कभी ताली नहीं जाती इनकी बात तो भगवान से भी ताली नहीं जाती घर घर में बर्तनों को मांझ करके मुझ जैसे चार चार बेटे पाल देती है माँ लेकिन भाई साहब जब शादी हो जाती है बीवी घर के अंदर आ जाती है तो चार चार बेटों से एक माँ पाली नहीं जाती नहीं जाती अगर बात अच्छी रही तो दोनों हाथों की ताली बजाने कर दे बंटवारा करके रख देते हैं माँ का कि 6 महीने माँ तेरे पास रहेगी 6 महीने तेरे पास 6 महीने तेरे पास लेकिन किसी के मुख से ये नहीं निकलता कि माँ मेरे पास रहेगी जो जो अपनी माँ बाप की सेवा करता है वो हाथ खोल करके दिखाओ एक बार सो में से 10% ही मिलेंगे ऐसे हाथ ही जगह लो इधर से माता बहन सीधे सीधे हाथ उठाओ बिल्कुल सीधे जो अपनी सास के रोजाना पैर दबाती है क्योंकि आजकल की बहू पैर का दबाएगी सीधा गाना लगाने के लिए तैयार है आइए एक जयकारा मिलकर के लगाओ फिर चलते हैं वहां के दरबार में ये भजन मैं आप लोगों को नहीं गाऊंगा क्योंकि साल में 2 बार नवरात्रे आते हैं अभी नवरात्रे आए थे और हर माँ हर बहन सभी मिलकर के माँ के नवरात्रे करते हैं करते हो ना जो जो करता है हाथ खोल करके दिखाना नवरात्रे एक जगह में भवानी की माँ का दरबार घर में सजा देते हैं माँ के सामने बैठ करके माँ की ज्योत के सामने एक थी अरदास करती है हमारी माता बहने क्या कि अब की नवरात्रे मैया जी इतना कर देना उपकार क्या उपकार करना कि अब की नवरात्रे मैया जी इतना कर देना उपकार आंगन हरा भरा कर देना
मेरा सुखी रहे परिवार। माताएं बहने माँ के दरबार में बैठी है, बैठी हो ना, सच्चे मन से बैठे हो। अगर ये जब बात चाहते हो माँ हमारी नवरात्रि तक हर मनोकामना पूर्ण करे तो हाथ उठाकर के जयकारा लगाओ, बोलो जगदम्बे भवानी की, और मेरे साथ मिलकर के बोलो अब की नवरात्रि मैया जी कितना कर देना उपकार। भजन सभी की समझ में आ रहा है, मेरी आवाज आ रही सभी की समझ में आ रही है ना, हाथ उठाओ बिल्कुल सीधे, एकदम बिल्कुल सीधे सीधे, जितने लंबे हाथ उतने लंबे हाथ उठाओ, जिन्हें आवाज समझ में नहीं आ रही अब वो हाथ उठाओ जिन्हें आवाज समझ में आ रही है, मेरे साथ में करके बोलो अब के नवरात्रि मैया जी कितना, अब के नवरात्रि मैया जी कितना आंगन खुशियों से भर देना मेरा सुखी रहे पर। चाहते हो ये बात तो हाथ उठाओ बिल्कुल सीधे, एकदम इधर से भी उठाओ और तालियां लगा के एक एक दो और मेरे को कहना कोई मुसीबत ना घर पे आए, घर का स्वामी करोड़ों कमाए। हमारी माता जी वो क्या बोलती है, मेरे बच्चे और जो माताएं बहने अपने परिवार के लिए तो मांग लिया, लेकिन एक परिवार और है इनका, कौन सा, वो मेरे मायके में, मेरे मायके में भाई का मैया खूब चलेगा, मेरे मायके में भाई का Thank you.
दूसरे नंबर पे पहले नंबर पे वो माँ ने अपने पति मांगा, अब दूसरे नंबर पे किसके लिए मांग रही है? अपनी जान से प्यारी लाडली अपनी बेटी के लिए। क्या कहने लगी? चले बच्चों की अच्छी पढ़ाई, मेरी बिटिया की हो जाए सगाई। चाहते हो ये बात अच्छे से घर में हमारी बेटी का रिश्ता हो? चाहते हो तो हाँ वहाँ देखो बिल्कुल सीधे और मेरे साथ में करके बोलो। चले बच्चों की अच्छी मेरी बिटिया की हो जा, मेरी बिटिया की अच्छे से घर में सगाई हो जाए और अपने घर को खुशी से मैया जाए, अपने घर को खुशी से मैया जाए। और क्या मांगती है? क्या मिले अच्छा सा मुझको जमाई, अपने घर को खुशी से मैया जाए। मेरी बिटिया को, मेरी बिटिया को अपनी बेटी के लिए मांग लिया, अपने पति के लिए मांग लिया, अब बारी किसकी आई? मुझ जैसे नालायक बेटे की। कहने लगी माँ से, माँ देख मेरा बेटा भी, मेरा यशपाल बेटा भी शादी के लायक हो गया है। अब इसकी भी सुन लो, इसके लिए तुम्हें क्या करना है? क्या बहु देना मुझे माँ तू ऐसी, कैसी बहू चाहिए आपको? आप बताओ, एक मिनट भाई बहुत सुन दे, कैसी बहू चाहिए आपको? देखो वो क्या कहने लगी, बहु देना मुझे माँ तू ऐसी, जिसकी सूरत हो सीता की जैसी। ऐसी बहू चाहिए तो हाथ उठा करके तालियां बजाते रहो, मीठी मीठी तालियां साथ। अगर तालियां नहीं बजाओगे तो सीता की जैसी रहेगी, सुरखाना की जैसी रहेगी। दो आई बहु देना मुझे माँ तू ऐसी, जिसकी सूरत हो सीता की जैसी। बहु देना मुझे माँ तू ऐसी, सूरत हो सीता की जैसी। लक्ष्मण की पत्नी का नाम था वो चरित्र माउर मिल सलाए, चरित्र माउर और मेरे जैसा नालायक आपके जैसा नहीं, चिंता मत करो नालायक मैं हूं पागल हूं। वो चरित्र माउर मिल सलाए, मेरा बेटा बिना तो कमाए। वो चरित्र माउर मिल सलाए, अगर मेरी ऐसी मनोकामना पूर्ण हो गई तो मैं क्या करूंगी? क्या अपने हाथों से मैया जी तेरा खूब करो सिंगार, अपने हाथों से मैया जी तेरा खूब करो सिंगार। अपनी प्रवीणा